So, hi guys, my name is Yashraj and I have brought a new video for you in which you will say wow in the comment sections. So, let's begin this video without any further delay. So, we have a total sheet 35 for you. So, let's read. Both my sister and me love to eat fruits. मैं और मेरी बहन को फल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. फीट पाइनएप्पल मौसमी जामुन लीची एक्सेट्रा ऑन रेगुलर बेसिस एज दे आर रिच इन विटामिन सी विच इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी एंड सेव अस फ्रॉम डिजीजेज. आवर फादर आस्क सेवरल क्वेश्चंस फ्रॉम अस from the red list which we love to solve. Come, let's solve the below mentioned questions. तो यहाँ पर मैं देखिए उनको ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको अगर मैं explain करूँ तो फिर ना एक तो एक है ठीक है और एक उसकी बहन है, उनको फ्रूट्स खाना पसंद है. वो पाइनएप्पल मौसमी जामुन लीची और भी कई सारे फल खाते हैं क्योंकि वो विटामिन सी में क्योंकि उनमें विटामिन सी होता है. हाँ, और वो हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करते हैं. आपको पता ही है अभी करोना वायरस है और उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी चाहिए ही है. हाँ, तो आप सब भी फल खाइए, मैं भी फल खाता हूँ. तो अब उनके जो पापा थे वो उनसे क्वेश्चंस पूछते थे रेड लिस्ट से और वो बोलते थे ये क्या. अच्छा हाँ, ताकि आगे जाके जब वो फल लेने जाए तब उनको कोई मुश्किल ना हो. हाँ, तो यहाँ मैं रेड लिस्ट दी है. तो सीरियल नंबर है ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखे हैं 8 फ्रूट्स का हमें दे रखे हैं यहाँ पे फ्रूट. पपाया 35 रुपीज़ पर किलो. हाँ, तो वी हैव गिवन द रेट लिस्ट, हमें रेट लिस्ट दे रखी है. तो यहाँ पर अब आप पढ़ सकते हैं इसको. हाँ, लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगोज एंड 1 kg एप्पल. सो इन द क्वेश्चन देयर इज अ 3 kg मैंगोज एंड 1 kg एप्पल. हाँ, अभी इसमें पूछा है कि अगर हम 3 किलो आम और 1 किलो सेब का कि जो मूल्य है हम उसको जोड़ेंगे तो कितने होंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ मैंगोज. 1 किलो आम की कितनी वैल्यू है. 40 रुपीज़ पर किलोग्राम. हाँ, 40 रुपये प्रति किलो. या वी आर चेकिंग द रेट लिस्ट नाउ. आई हैव टेल यू फ्रॉम द रेट लिस्ट द एंड नाउ वी विल have to calculate the amount of 3 kg mangoes. Yeah, so we have to so what is the method to make addition easy, make repeated addition easy. It is multiplication. So we will multiply it by 3. Yeah, because we want 3 kg mangoes rate. Okay, so 40 multiplied by 3 is, yeah, you can do it in rough, but the answer will be 120 rupees. Yeah, and then it is asked we have to add on 1 kg apple. मैं 1 किलो apple और करना है. So let's check the rate list. So there is written apple 120 kilogram. So our answer will be 120. No, this pun part answer is 120. Yeah, and so 120 plus 120 is equals to 240 rupees. Yeah, 240 rupees. हमारा आंसर 240 है यहाँ पे दो, और क्योंकि हमारे 120 और 120 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 240. अब दूसरा प्रश्न, हाउ मच डिड द फादर पे फॉर 600 ग्राम्स लीची. अब उनके पापा ने कितने रुपए दिए होंगे अगर उन्होंने 600 ग्राम लीची. सो लेट्स चेक द रेट लिस्ट नाउ. लीची
is 70 rupees per kilo, but we have to calculate a 600 gram. So I want to tell you, हाँ मुझे आपको कुछ बताना चाहती हूँ. 1 kg is equals to 1000 gram. Yeah. So in the question there is a 600 gram. Yeah. So if see, if I ask you that, yeah. If 1 kg mango is of 100 rupees, I am just giving you an example. So 100 gram mango will be of 10 rupees. Yeah. Where, and we calculated it by dividing it by 10. Yeah. So first we have to do is we have to divide. 70 with 10. Oh, okay. We have to divide 70 with 10. You can do the calculations, but the answer will be 7. Okay. The answer will be 7 only. हाँ, उसका उत्तर साथ ही आएगा. सॉरी, इसका उत्तर नहीं, मतलब जो हमने अभी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें. हाँ, और हमारे पूछा है 600 ग्राम्स. या सो व्हाट वी हैव टू डू, 100 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 6 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 600 ग्राम्स. सो वी विल मल्टीप्लाई 7 रुपीस बाय 6. यू कैन डू द कैलकुलेशंस, आप कर सकते हैं. बट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 42 रुपीज. या द आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो एंड द फाइनल आंसर इज ऑल्सो दिस ओनली रुपीज 42. एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ऑल्सो, मैंने आपको समझा दिया है ये. थर्ड, बाय हाउ मच इज अनार डियरर टू गुआवा. सो लेट्स टेक द रेड लिस्ट. या सो गुआवा इज 25 रुपीज पर किलोग्राम एंड आवर अनार इज 90 rupees per kilogram. So in this worksheet there is given anar, but in English we call it as pomegranate, yeah, as it is given in the rate list. So pomegranate has more rate than guava. So there it is also mentioned dearer, huh? So we have to minus, because if we have to take out difference, so we have to minus the numbers. So rupee 90 rupees minus 25 rupees. You can do the calculations, but the answer, the final answer and the answer of this question will be 65 rupees. This is the final answer. And I have explained it also. मैंने आपको समझा भी दिया है. Fourth, how much did 5 kgs of pineapple cost? So I have, let's take the rate list. So 1 kg of pineapple is of 80 rupees. Then it is very simple. As I have told you, to make repeated addition easier, there is a method called multiplication. So we will मल्टीप्लाई 80 बाय 5. हमें 80 रुपये को 5 से मल्टीप्लाई करना है. हाँ, द यू कैन डू द कैलकुलेशंस, आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बट द फाइनल आंसर है, दिस आंसर विल बी 400 रुपीज़. या सो आंसर इज 400. So I hope you understand the video, and still you have any doubts, so you can comment me below. And if you like this video, so simply click on like. And if you want to receive the notification that I have
uploaded this video for you. Yeah, so what you have to do is subscribe my channel, and then there will be a bell icon, click on it and then press all. Yeah, so I hope you understand the video. Okay, bye.